क्लियर पूरा कंप्लीट करवा देता हूँ। देखो बेटा हम लोग स्टार्ट कर रहे इनिशियल बेस से ही, आपने फर्स्ट टॉपिक था हमारा एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर तो आपने कंसीडर कैसे किया, नोट डाउन करना सब लोग। हमारे पास एक कैपेसिटर था, एक पॉजिटिव प्लेट थी, एक नेगेटिव प्लेट थी। मैंने कंसीडर क्या किया, ए प्लेट और बी प्लेट है। सपोज ए प्लेट का पोटेंशियल जीरो है और बी प्लेट का पोटेंशियल वी है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट इज वी। हम लोगों ने ऐसे ही कंसीडर किया है, एक को रेफरेंस लिया है बेटा, एक को हम लोगों ने रेफरेंस लिया है। तो सेम कंसीडर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यू ए इज जीरो एंड यू बी इज यू, देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, क्योंकि मायने क्या रखता है डिफरेंस, इट्स अ यू। अब देखो यहां पे कोई चार्ज नहीं होता, मुझे कोई चार्ज को यहां पे लाना है बी पॉइंट पे, तो आप किसको लाना है चार्ज को, कौन से पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, तो बी पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड करोगे। आपको पता है बेटा पोटेंशियल एट पॉइंट बी ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव, जिसकी वैल्यू है सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एक प्लेट की बोल रहा हूं, तो आप क्या लिखोगे यहां पे, ईडी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की जगह बेटा हम लोगों ने रखा क्यू बाय ए, किसको कर दिया क्यू स्क्वेयर एप्सिलॉन नॉट ए, डी आया नीचे, इसका नाम बन गया क्यू स्क्वेयर बाय टू सी, इसका नाम बन गया बेटा क्यू स्क्वेयर बाय टू सी। अब आप लोगों ने आगे क्या किया, क्यू की जगह सीवी कर दिया, सी स्क्वेयर स्क्वेयर बाय टू सी, सी सी कट हुआ बेटा, सी सी कट हुआ बेटा, तो फॉर्मूला बन गया वन हाफ सी वी स्क्वेयर। आपने आगे क्या किया, सी वी इंटू वी किया, वन हाफ वी स्क्वेयर यानी कि वी वी, फॉर्मूला बन गया वन हाफ क्यू वी। बेटा यहां तक क्लियर है या नहीं है मुझे बता दो बेटा, गिव मी बिग रिप्ले बेटा, यस या नो। टेक अ स्क्रीनशॉट, अच्छा वाला स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। अच्छा वाला स्क्रीनशॉट ले लो, बस बुरा वाला नहीं लेना है, अच्छा वाला लेना है। ओके ओके मैं बच्चा बाल्टी, ओके आप देखो तो ओके क्या ओके करता है, अब आपका ओके अब क्या ओके करता है। अब आपने एनर्जी डेंसिटी पढ़ा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी मतलब यू, वॉल्यूम मतलब ए इंटू डी, इसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। तो आपको फॉर्मूला क्या मिला यू का, आपको ये याद है, चलो वन हाफ सी वी स्क्वेयर, तो सी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बेटा,
एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी और ई इज इक्वल टू वी बाई डी, तो वी इज इक्वल टू ई डी, तो स्क्वेयर एड स्क्वेयर। यार बेटा टेंशन मत लेना, मैं आ गया हूँ, आ गया हूँ आपके लिए। ओके बेटा आ गया हूँ, आ गया हूँ, डोंट वरी बिकॉज आई एम हियर। मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना बेटा? मेरा वीडियो पॉज है कोई बात नहीं, मेरा वीडियो पॉज है कोई बात नहीं, उसका टेंशन मत लेना। मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना बेटा? यस या नो? हाँ बस, अब देखो, अब देखना बेटा, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं। यू इज इक्वल टू वन हाफ सी वी स्क्वेयर, तो सी की जगह एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो डी डी कट हुआ और एक ओ ए इंटू डी नीचे है, डी डी कट हुआ, ये डी डी भी कट हुआ, ये ए कट हुआ, आंसर आ गया वन हाफ एप्सिलॉन नॉट स्क्वेयर। किसी ने ये वाला फॉर्मूला यूज किया? देखो किसी ने ये वाला फॉर्मूला यूज किया, कौन सा? क्यू स्क्वेयर बाई टू सी, तो क्यू की जगह सिग्मा इंटू ए, सिग्मा स्क्वेयर ए स्क्वेयर, सी की जगह एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ए ए स्क्वेयर कट, डी डी कट, सिग्मा स्क्वेयर बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। माय बच्चा पार्टी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है, इसको मैं एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करता हूं और एप्सिलॉन से डिवाइड करता हूं, मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया तो नीचे स्क्वेयर हो गया। इसका नाम भी क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द कैपेसिटर, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, नॉट अ ट्वाइस, ओके, नॉट अ ट्वाइस। एप्सिलॉन नॉट इसका नाम है स्क्वेयर, बिकॉज ई इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये भी अच्छा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। सारी चीज अच्छी होती है, अच्छी होती है। ओके मैं बच्चा पार्टी, अब तो आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता सबको समझ में आ जाएगा।
अब मेरा चेहरा हिलने लगा, या है ना बेटा? हाँ, मेरा नेटवर्क थोड़ा लो आएगा, पता नहीं है, बट पढ़ेंगे, 100% पढ़ेंगे। तो देखो बेटा, आज के टेस्ट के अंदर कौन कौन सी थियरी आएगी, लिखना है तो लिख देना। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, सेकेंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, सेकेंड माय बच्चा पार्टी, सेकेंड गिव द डेफिनेशन, यूनिट, डायमेंशन, फॉर्मूला एंड किसके ऊपर डिपेंड है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस, फॉर्मूला, सीरीज, पैरेलल कनेक्शन। बेटा ये दोनों थियरी को अलग करना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी एंड पैरेलल कनेक्शन, बोथ आर डिफरेंट, हाई एन ए। उसके बाद ओके, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, एनर्जी एंड एनर्जी डेंसिटी, इलस्ट्रेशन 4, 5, बाद में लास्ट दो 9, 10, 4, 5, 6 भी है बेटा, 4, 5, 6, 9, 10। एक्सरसाइज का नंबर बोल देता हूं, बढ़िया तरीके से करोगे, लर्न करोगे, एंजॉय करोगे, मजा करोगे, उससे क्या फायदा होगा बेटा, प्रिपरेशन हो जाएगी। 6, 7, 8, 10, 11 चलो लिख लो, इतना ले लो स्क्रीनशॉट। अब जो नहीं है वो मैं करवा रहा हूं बेटा, एक बार रिवाइज करवा रहा हूं पूरा, दोनों लेक्चर को वापस करवा रहा हूं, पहली बार करवा रहा हूं ना वैसा ही करवा रहा हूं। अब है ना बेटा, मैं बढ़िया कंसेप्ट दे रहा हूं आपको, सब लोग बेटा सुनना, बढ़िया कंसेप्ट है ये जो मैं बताने जा रहा हूं ना, वो सही में मजा आएगा। एडिशनल बेटा, एडिशनल एक्सरसाइज अभी नहीं होगी, एडिशनल में डाउट है तो कोई बात नहीं, ये वीक हम लोग चैप्टर खत्म करने के बाद JEE नीट में जब करवाऊंगा तब एडिशनल एक्सरसाइज करवा दूंगा। अभी आप टेक्स्ट बुक का करो, एडिशनल एक्सरसाइज बाद में करना बेटा, मीटिंग एंड होने के बाद वापिस ज्वाइन भी करना। देखो मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, एक कैपेसिटर है, उसको आपने वी वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट किया, तो उसका चार्ज फाइंड करने के लिए पूछे तो हम लोग क्या करेंगे, क्यू इज इक्वल टू सी वी। उसके एनर्जी फाइंड करने के लिए बोला तो बहुत सारे फॉर्मूला है, आप क्यू स्क्वेयर बाई टू सी वी कर सकते हो, आप 1/2 CV² भी कर सकते हो, आप 1/2 QV भी कर सकते हैं। अब मैं दूसरा क्वेश्चन पूछ कि उस कैपेसिटर को हम लोग चार्ज लेस कैपेसिटर, इसके पास कितना चार्ज था, इसके पास कितना चार्ज था, क्यू, इसके पास कितना चार्ज है, जीरो। ऐसे कैपेसिटर के साथ जब कनेक्ट करेंगे, क्लियर, तो कंडीशन क्या होती है बेटा कि दोनों कैपेसिटर सेम भी हो सकता है, दोनों कैपेसिटर अलग भी हो सकता है। आपने पैरेलल ज्वाइन किया है तो दोनों के अंदर का चार्ज क्या होगा, नया चार्ज, तो कैसे फाइंड करेंगे टोटल चार्ज, तो Q1 इज इक्वल टू C1 अपॉन C1 प्लस C2, दो कैपेसिटर है ना, इनटू टोटल Q। ये फॉर्मूला है फाइंड करने का बच्चा पार्टी, बट इक्वल कैपेसिटर है तो दोनों सेम हो जाएगा, आसान है
मैंने क्या बोला, आसान है राइट। अब दोनों का न्यू पोटेंशियल क्या होगा, अब पैरेलल है तो V1 और V2 सेम होगा। सपोज इसको मैं कुछ बोल देता हूं विडेस, Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q बाई टू, Q बाई टू होगा, ओके इक्वल कैपेसिटर होगा तो आधा आधा स्टोर हो जाएगा। अब ये कैसे फाइंड करेंगे विडेस, तो देखो टोटल चार्ज Q था, दोनों में डिवाइड हुआ Q1 प्लस Q2, तो Q पहले Q कितना था, ओरिजिनल Q CV, तो मैं यहां पे लिखूंगा CV, यहां पे लिखोगे C1 विडेस प्लस C2 विडेस, इससे बेटा आप विडेस फाइंड कर लेना। और नया U1 तो वन हाफ Q1 विडेस, नया U2 वन हाफ Q2 विडेस, टोटल U U1 प्लस U2, आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो। नया U क्योंकि चार्ज आपको पता है, कैपेसिटेंस भी पता है, Q1 स्क्वेयर बाय 2C1 Q2 Q2 स्क्वेयर बाय 2C2 टोटल लॉस, लॉस कितना हुआ, दोनों का सब्ट्रैक्शन करोगे U माइनस UDS, क्योंकि इनिशियल ज्यादा होगा फाइनल कम होगा। मैं लॉस ऑफ एनर्जी का शॉर्टकट बता रहा हूं, याद रखना बेटा, वन हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, पहले बैटरी V1 कनेक्ट थी ना, V1 माइनस, दूसरी बार बैटरी रिकनेक्ट है, कुछ थी नहीं तो V1 हम लोग V लेंगे, V2 क्या लेंगे, जीरो लेंगे, क्योंकि दूसरी बार बैटरी थी नहीं। सपोज बैटरी ज्वाइन होगी तो ये शॉर्टकट भी याद रखना है। तो बेटा ये मेथड है हाउ टू फाइंड आउट चलो पहला स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ये दूसरा वाला ले लो, अच्छा है बेटा, अच्छा है, बढ़िया है बेटा, बढ़िया है राइट। मैं भी बढ़िया, तुम भी बढ़िया, थियरी बढ़िया, मजा आएगा बढ़िया। चलो आपका इलस्ट्रेशन 2.2 क्या दिखा रहा है कि 900 पिको फेराडे का कैपेसिटर, 900 पिको फेराडे का कैपेसिटर कितने वोल्ट के बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, 100 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट किया है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी, यू, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, वन हाफ सी वी स्क्वेयर, सी कितना 900, पीको 10^-12, वी कितना 100 मल्टीप्लाई बाय 100, 9 का आधा 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब इनिशियल एनर्जी जो है वो 4.5 माइक्रो जूल है। इसको बेटा आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको बेटा आप ऐसे भी लिख सकते हो, आपने सपोज Q इज इक्वल टू CV फाइंड कर लिया, C कितना 900, V कितना 100, तो 9×10^-8 कूलम, यानी कि 9×10 आप यहां पे इसमें भी वैल्यू पुट कर सकते हो, Q स्क्वेयर बाय 2C या तो वन हाफ QV, कोई भी फॉर्मूला क्यों पहले फाइंड कर लेना होगा, आप रख सकते हो, आप फाइंड कर सकते हो बेटा।
अब माय क्वेश्चन इज दैट, अब इन लोगों ने क्या बोला कि बैटरी को दूर किया, देखो सेम कैपेसिटर बट चार्जलेस, सेम कैपेसिटर 9 पिकोफैराड का ही, इसका चार्ज क्यों, इसका चार्ज जीरो, तो मुझे बताओ बेटा दोनों में चार्ज कितना हो जाएगा q/2, इसका भी q/2 क्योंकि पैरेलल कनेक्शन है इसलिए। अब आप उनका वीडेस फाइंड कर लेते हैं, तो अभी मैंने बोला कैसे फाइंड करने का, q = q1 + q2 टोटल चार्ज, तो q = cv और ये होगा c1 वीडेस प्लस c2 वीडेस। अब cv c1 c है, विडेस v है, विडेस है, c2 भी c है, तो ये टोटल ट्वाइस टाइम हुआ ना cc कट, तो विडेस इज इक्वल टू क्या हुआ बेटा v/2। तो न्यू एनर्जी कितनी होगी, न्यू एनर्जी ऑफ सिस्टम, तो बेटा हम लोग ऐसे लिख सकते हैं दो कैपेसिटर ले, 2 × ईच कैपेसिटेंस, तो 1/2 q/d, 1/2 q/d, तो 2 × 1/2, व्हाट इज द q/d, q/2, व्हाट इज द v/d, v/2। एक 2-2 कट हुआ, 1/2 qv का मीनिंग होता है u, पहले u था ना, देखो ये रहा u, तो u/2, दिस इज योर राइट फॉर्मूला। u कितना था, 4.5 × 10⁻²⁶/2, आंसर इज 2.25 × 10⁻²⁶। लॉस ऑफ एनर्जी, तो u − u′ 4.5, उसमें से 2.25 सबट्रैक्ट करो, इतनी एनर्जी लॉस हुई, पूछा नहीं है, पूछेंगे तो ये एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी कौन से फॉर्म में होती है, मैं आपको बता दूं, हीट एनर्जी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। ये कैसे, वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा बेटा, डोंट वरी, क्योंकि जब दो कैपेसिटर को ज्वाइन करते हो तो चार्ज होता है ना, तो ड्यूरिंग द चार्ज हीट एनर्जी जनरेट होती है, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी में आगे पढ़ाऊंगा बेटा, क्लियर, उसके फॉर्म में होती है। बट मैं यहां पे और एक MCQ बना देता हूं, क्या, एनर्जी ऑफ ईच कैपेसिटेंस मैं, बच्चा जल्दी कनेक्ट हो जाओ, हो स्टार्ट योर वीडियो बेटा, पलक आपने वीडियो ऑन कर दिया, बंद कर दिया, क्यों बंद कर दिया बेटा, नहीं चलेगा ऐसा, नहीं चलेगा, एनर्जी ऑफ ईच कैपेसिटेंस, माय बच्चा पार्टी, एनर्जी ऑफ ईच कैपेसिटेंस, सुनना, ईच कैपेसिटेंस मतलब एक की एनर्जी की बात कर रहा हूं, तो 1/2 आप क्या करोगे, 1/2 q1 v1 square,
क्यू वन की जगह बेटा मैं क्या लिखूंगा, वी वन की जगह क्या लिखूंगा, क्यू बाई टू वी बाई टू होल स्क्वेयर, तो वन हाफ क्यू वी स्क्वेयर, नो यस, वी वन स्क्वेयर नहीं आएगा, ओनली वी वन आएगा, क्लियर, क्यू बाई टू वी बाई टू, तो वन हाफ क्यू वी बाई फोर आया, मतलब वन हाफ क्यू वी मतलब यू बाई फोर, मतलब ईच एनर्जी ऑफ ईच कैपेसिटेंस इज यू बाई फोर, टोटल यू वन प्लस यू टू, यू बाई फोर प्लस यू बाई फोर, इट्स अ यू बाई टू, मतलब सिस्टम की कितनी हुई बेटा, यू बाई टू हुई, जो हम लोगों ने प्रूव किया आगे, यू बाई टू मिली सिस्टम की, आपको यू बाई टू मिली बेटा, सही है, बट माई बच्चा पार्टी एनर्जी ऑफ ईच कैपेसिटेंस इज यू बाई फोर, यू बाई फोर, ये समझना है एमसीक्यू के लिए है। यहां पे सम्स तो बहुत कर दिए हम लोगों ने, बट इस सम्स को जब करोगे ना, टेक अ स्क्रीनशॉट, वन बाय वन में आपको जब बोलू तब लेना बेटा, जस्ट मिनट में निकल जाता हूं। यस फर्स्ट स्क्रीनशॉट, देखो लॉस ऑफ एनर्जी पूछा नहीं था बट हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है, चलो ले लो बेटा ये स्क्रीनशॉट ले लो, पूछा नहीं था बट हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है, चलो ये वाला ले लो, अब बेटा एक्सरसाइज का 2.8 देखो तो आपको याद होगा कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, हम लोग कंफर्म कर लेंगे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है सब में, ओके बेटा, आप बड़े होशियार हो मुझे पता है बेटा, दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस दिया, एरिया दिया बेटा, कैपेसिटेंस फाइंड करना है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 8 में, एरिया डी, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, साइड में लिखते जाना बेटा, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, यार क्या कर रहे हो, वाई ट्वाइस ट्वाइस आएगा ही नहीं, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, सबको समझ में आया, सपोज उस कैपेसिटर को 100 वोल्ट सप्लाई के साथ कनेक्ट करोगे तो हर एक का मतलब कैपेसिटर का चार्ज क्या होगा, चार्ज क्या होगा बेटा, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे उसमें, Q इज इक्वल टू सीवी, राइट, Q इज इक्वल टू सीवी, चलो उसमें पूछा नहीं है बट एनर्जी पूछी होती तो क्या आंसर देते, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, अब क्या आंसर देते बेटा, वन हाफ सीवी स्क्वेयर या तो क्यू स्क्वेयर बाय टू सी, बेटा क्लियर ना, गिव मी अ बिग रिप्लाई बेटा, क्लियर यस या नो, ओके चलो 2.10 9 अभी बाकी रखना है क्योंकि अभी वो पढ़ना बाकी है, डायलेक्ट्रिक कल से स्टार्ट होगा, 2.10 12 पिको फेराडे का कैपेसिटर है, 50 वोल्ट की बैटरी है, कितनी एनर्जी स्टोर होगी, कौन सा फॉर्मूला बेटा 2.10 में, वन हाफ सीवी स्क्वेयर, सी की जगह 12 पिको फेराडे, वी की जगह 50 वोल्ट, 12 पिको 10 रेस टू माइनस 12 कर देना, बहुत आसान है, चलो 2.11 600 पिको फेराडे का कैपेसिटर है, 200 वोल्ट सप्लाई है, उसके साथ कनेक्ट किया है, बाद में बैटरी को रिमूव करते हैं और सेकंड कैपेसिटर चार्जलेस 600 पिको फेराडे उसके साथ रिकनेक्ट किया है, तो कितनी एनर्जी लॉस होगी, मतलब कौन सा सम हुआ बेटा, ये लास्ट इलस्ट्रेशन जो हम लोगों ने 2.10 किया वही हुआ,
पहले आप u इज इक्वल टू वन हाफ सी वी स्क्वेयर करोगे, उसके बाद आप चार्ज दोनों में आधा आधा हो जाएगा q/2 q/2, उसके अंदर पोटेंशियल विडेस फाइंड कर लोगे, v/2 होगा, udes इज इक्वल टू 2 × 1/2 qdes vdes, q/2 v/2 आपका आंसर होगा u/2, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, दिस इज योर आंसर। बेटा समझ में आया? बेटा समझ में आया? खुशी आरवी व्रज मीत है दिए, गिव मी अ बिग रिप्लाई ऑल द स्टूडेंट। यस सर, चलो कंप्लीट बेटा। अब है ना, अब मैं JEE नीट के टाइम पे आपको कोई कंसेप्ट बाकी है तो मैं करवा दूंगा, बट फिर भी एडिशनल एक्सरसाइज के कौन कौन से सम्स आपको क्लियर होने चाहिए, 23, 24, 25, 26 और 27, 3, 4, 5, 6, 7, बट ये मैं सेशन लूंगा JEE नीट वाला सेशन तब। बट अभी मैं ना आपके लिए एक फ्री गिफ्ट देता हूं, क्या एक फ्री गिफ्ट देता हूं, नंबर 27 देखो, 4, 5 तो मैंने करवा दिया था, 6 भी ट्राई करना, हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, कुछ हो नहीं, अपने आप हो जाएगा। देखो 4 माइक्रो फेराडे का कैपेसिटर है, उसको 400 वोल्ट का बैटरी के साथ कनेक्ट किया है। अब बैटरी को रिमूव करते हैं, अब सेम कैपेसिटेंस नहीं है, डिफरेंट कैपेसिटेंस है। बैटरी रिमूव कर दी तो कितनी एनर्जी लॉस होगी बेटा, शॉर्टकट, अच्छा वाला शॉर्टकट, 1/2 C1 = C1 + C2 C1 + C2 C1 - V2 whole square। देखो ये लिखोगे 4 × 10⁻⁶, 2 × 10⁻⁶, 4 + 2, 6 × 10⁻⁶, V1 400 - 0 ² 6 6 cut, 2 2 ⁻³, आंसर 2/3, और यहां पे 1600 नहीं, और दो विंडे आएंगे, जस्ट अ मिनट, 2/3 10⁻⁶, 16 00 00, 32 / 3 10.20 बचा, 3 6 10⁻²⁕ J, देखो आंसर क्या आ रहा है। लोचा लापची लगा दिया, कहां लगा दिया है? हाँ सही है बेटा, सही है, सही है हमारा, ओके 10 point something ही आएगा। देखो 32/3 करोगे, 3 1 ⁻³ 0 3 6 ⁸, ओके इसमें है ना u1 फाइंड करके दिया, u1 भी फाइंड करना था इसमें, तब u1 इज इक्वल टू 1/2 C1 वी स्क्वेयर कर देना, इसलिए आपको u1 मिल जाएगा, 1/2 C1 v1 400 × 400 4 4 ⁻⁶ 16 2 ⁻⁶
400 की जगह 200 है। ये बेटा मैंने ये शॉर्टकट करवाया, अलग मेथड नहीं है बेटा, ये मैंने शॉर्टकट मेथड करवाई आपको जेडब्ल्यू नीट के लिए। 200 लेना है यहाँ पे, तो 200 से हो जाएगा आई थिंक सो। 8/3, 8 मतलब 2, 8/3 करोगे 2.6 क्रॉस 10^2 माइनस 2 जूल हो जाएगा। हाँ चलो 200 है बेटा, 200 वोल्ट है। ये मैंने शॉर्टकट दिए बेटा, इफ यू वांट, सपोज आपको शॉर्टकट यूज करनी है तो। बड़ी मेथड तो मैंने बेटा आज पहले एक्सप्लेन कर दी, वो यूज करना है। बड़ी मेथड तो बेटा मैंने पहले एक्सप्लेन कर दी, वो यूज करना।